मात्र एक जनी मैडम हैं अभी, तो मैडम संभाल नहीं पा रही हैं। बच्चे भी लगभग 37-38 होंगे पहली से 5वीं तक क्लास में। ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में बेहतर शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में लागू किया और प्राइमरी स्कूल में 60 बच्चों पर दो शिक्षक का प्रावधान है, परंतु केसरचुआ गांव में एक ही शिक्षक होने से वहां के बच्चों को भारी दिक्कतें हो रही है, जिसके लिए पंचायत द्वारा कई बार प्रयास किया जा चुका है। 2 साल से लगभग कोशिश कर रहे थे कि हम लोग उसको बहुत सारे प्रयास किए, जैसे बीए सर से भी हम लोग जाके बात किए थे उस विषय में, आवेदन दिए ग्रामवासी, लेकिन कार्रवाई ना होने कारण हम लोग फिर ग्रामवासी हम लोग और आप पत्रकार मीडिया भाइयों की मदद से हम लोग कलेक्टर के पास हम लोग ने अपना ये निवारण के लिए दरवाज़ा खटकाया, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हमारे गाँव के लिए, स्कूल के लिए 3-4 दिन में ही शिक्षक की नियुक्ति करा दी उन्होंने। हाँ, मेरा सर बीच में मैं पारिवारिक स्थिति के कारण, ख़राब होने के कारण वो अध्यापन व्यवस्था के अंतर्गत खरसिया ब्लॉक में करवाया था। अब चूंकि फिर से यहाँ वापस करने के लिए आदेश कर दिए थे, तो मैं अगस्त माह से यहाँ मूलशाला में कार्य कर रहा हूँ सर। विगत वर्ष में तो 2 साल से मैं एकल शिक्षक थी, अभी प्रधान पाठक आ गए हैं। पहले बहुत दिक्कत हो रहा था, अभी प्रधान पाठक आ गए हैं तो सामंजस्य के साथ पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रहा है, अभी सब ठीक है। एकल शिक्षक ही रहने के कारण तो समस्या थी सर, है ना, मैडम अकेली थी तो लिखा पढ़ी का भी काम होता है, ऑफिस का भी काम रहता है, और पढ़ाई दोनों देखना उनके लिए संभव नहीं था अकेले में। अब मेरे आने के बाद जैसे कि कार्यालयीन कार्य मैं कर लेता हूँ, और साथ ही साथ 4थी 5वीं को मैं पढ़ा रहा हूँ, और मैडम 1ली 2री और 3री को पढ़ा रही, तो पढ़ाई अभी सुचारू रूप से चल रही है सर। तो मैं कलेक्टर साहब जी को, हमारे समस्त ग्रामवासियों और हमारे मीडिया पत्रकार बंधुओं, वीडियो वॉलंटियर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे इस समस्याओं का निवारण करने अथक प्रयास किया, और उनके अथक प्रयास से ही हम लोग का जो समस्याएं हो रही थी प्राथमिक शाला की, वो निवारण हुआ। इस समस्या के पहचान के बाद समाधान के लिए लगातार ग्रामीणों के साथ संपर्क कर उन्हें प्रेरित किया और वीडियो की स्क्रीनिंग करने के बाद आवेदन लिखे और कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर तारण प्रकाश सिन्हा द्वारा इस पर विशेष प्रयास किया गया और कुछ ही दिनों में इस पर कार्रवाई की, जिससे आज स्कूल में दो शिक्षक हैं और पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही है। वर्तमान में तारण प्रकाश सिन्हा कलेक्टर का तबादला हो गया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। किसी भी मुद्दे को हल करने के लिए समुदाय के साथ मिलकर अगर काम करें तो सफलता जरूर मिलती है, साथ में अगर अधिकारी सकारात्मक हों तो यह सफलता पाना और आसान हो जाता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रेरणा मिलती रहे और हम और अच्छे से काम कर सकें।